हाँ अच्छा, पवन यादव अभी कहाँ है? अभी वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, खुद से सरेंडर कर दिया? खुद सरेंडर कर दिए। अच्छा, पुलिस उसके पीछे पड़े थे इसलिए सरेंडर कर दिया। रात में आया, मारा पीटा हमको भी। हम उसको बार बार बोल रहे हैं, भाई से अलग रहते हैं, हम छोटा भाई है, विपिन नाम है। बोला मेरे साथ मारपीट किया है, मेरे माँ का भी साथ मारपीट किया है। जब महिला पुलिस था तो जेंट्स क्यों मेरे माँ को हाथ लगाए? परसों, कल चले गए। हाँ अच्छा, खुद से चले गए? हाँ। आपसे मिले थे, जा रहे थे? हाँ हाँ। क्या बोले थे? कहे जरा जी जाए चल जमा भाज मार ऐसे कर दे, पुलिस मारते। हाँ यार बात और कुछ, कल जाओ कल चल जाओ, सबसे बढ़िया। वैसा लड़का नहीं है जैसा इन पर इल्जाम लगाया गया है। अच्छा अच्छा, वैसे तो जांच का विषय है, क्या होता है वो तो। जीजा साली का रिश्ता है, वहाँ गया आया, क्या किया नहीं किया वो तो वहाँ का लोग जानेगा, वो बताएगा। हम लोग अभी हम प्रेमी आरती के बड़े जीजा पवन यादव के गांव मधुबन में है, जो पूर्णिया जिला में पड़ता है, और ये मधुबन गांव है, और मधुबन गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और ऐसा आरती का आरोप है कि आरती के प्रेमिका जो छोटू थे उसको करंट लगा करके जो पवन यादव थे उन्होंने ही मारा था, और पवन यादव को भी मारने में बड़ा हाथ था, ऐसा आरती के कहना है। और छोटू के परिवार वालों का कहना है कि छोटू को मारने में पवन यादव का बड़ा हाथ था। जो आरती के जीजा हैं अभी हमारे साथ इस गांव के लोग हैं, और इस गांव के लोग से जानते हैं कि क्या पवन यादव सच में अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, सच में वो दबंग थे। लोगों का भी कहना है, वहां अररिया के लोग का भी कहना है कि पवन यादव दबंग हैं। लेकिन अब इन लोगों को क्या कहना है, गाँव के लोगों को क्या कहना है, यहाँ इन लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुंजन शर्मा। गुंजन शर्मा, तो पवन यादव के बारे में आप क्या जानते हैं? पवन यादव के ऊपर आरोप लगा है कि आरती और छोटू दो प्रेमिका है, प्रेमी दोनों थे, और छोटू को मारने में पवन यादव के बड़ा हाथ है। देखिए, या तो एक इसी गांव का है ना? जी हाँ। मैं इसी गांव का हूँ। हाँ। यह तो जो काम हुआ बहुत जघन्य अपराध है, बहुत गलत बात है। हाँ। लेकिन जहाँ तक पवन यादव की बात है, ये लड़का बाहर कमाते हैं और कमा करके दिल्ली पंजाब कमा करके अपना घर परिवार चलाते हैं। अच्छा अच्छा, वह घर आए थे, ससुराल जाना आना तो ऐसा ही घर आने के बाद लगा रहता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वैसा लड़का नहीं है जैसा इन पर इल्जाम लगाया गया है। अच्छा अच्छा, वैसे तो जांच का विषय है, क्या होता है वो तो कानूनन बात है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ पर्सनली वह बहुत अच्छा लड़का, ऐसा उसका कभी बैकग्राउंड नहीं रहा है जो कि उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। गांव के हैं इसलिए ऐसा नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गांव से मतलब मैं यहाँ का समिति जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। मेरा घर बगल में हुआ तो उस जानूंगा क्यों नहीं। अच्छा चाचा है, आप बताइए पवन यादव के बारे में क्या कुछ जानते हैं? नहीं नहीं, यहाँ के लिए तो लड़का बिल्कुल सही है। ये बात नहीं है कि जब आप यहाँ आ गए हैं तो हम अपने पास पड़ोस का पक्ष लेंगे, सो सब बात नहीं है। कहीं इसका कोई गलती यहाँ नहीं है। गांव समाज में अपना कमाता है, बाल बच्चा का भरण पोषण करता है। अब वहाँ के लिए जाली जीजा साली का रिश्ता है, वहाँ गया आया, क्या किया नहीं किया वो तो वहाँ का लोग जानेगा, वो बताएगा। हम लोग तो नहीं बताएंगे कि कब गया नहीं गया है, तो यही बात है। और यहाँ के लिए बिल्कुल आती है, कह दिए पहले कि थाना में भी कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि जो हाँ लड़का को कभी पकड़ के लाया है थाना प्रभारी, शुरू से अंत तक यही हम बताएंगे। वो तो और आप लोग जानिएगा कि क्या है नहीं है। लड़का जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए, अब अभी हम इस गांव में हैं और इस गांव के लोग भी हैं, और अभी जो पवन यादव कल ही सरेंडर कर दिए हैं, कल जा करके कोर्ट में सरेंडर किए हैं, और वहां पर जा करके उन्होंने अपने खुद से खुद हाजिर हो गए हैं कि हम अब हाजिर होते हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रहा था, लगातार ढूंढ रहे थे, जिसके कारण वो अपने आप कोर्ट में चले गए हैं। अभी यहां हमारे साथ पवन यादव के भाई हैं। आप पवन यादव से छोटे भाई हैं? हाँ छोटे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार यादव। तो पवन यादव के ऊपर आरोप लगा है कि छोटू के वो करंट लगाकर मारे थे, और उनको मारने में सबसे बड़ा हाथ पवन यादव का ही है। ये सरासरी झूठा है। बताइए। सरासरी झूठा है। मेरा भाई यहाँ से करीब 7-8 बजे के बीच में यहाँ से गया है। सुबह में गए थे? सुबह में गया। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं रात में गए हैं। नहीं, ये बात गलत है। गलत है। अच्छा, पवन यादव अभी कहाँ है? अभी वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, खुद से सरेंडर कर दिया? खुद सरेंडर कर दिए। अच्छा, पुलिस उसके पीछे पड़े थे इसलिए सरेंडर कर दिया। रात में आया, मारा पीटा हमको भी। हम उसको बार बार बोल रहे हैं, भाई से अलग रहते हैं, हम छोटा भाई है, विपिन नाम है। बोला मेरे साथ मारपीट किया है, मेरे माँ का भी साथ
मारपीट किया है, जब महिला पुलिस था तो जेंट्स क्यों मेरे माँ को हाथ लगाया, अच्छा। इस पर कार्रवाई किया जाए। तो आपके माँ को भी मारा गया, आपको भी मारा गया? हम बार बार बोले, मेरा नाम विपिन कुमार है, हम पवन के छोटा भाई है, हम अलग रहते हैं, उसको खोजिए। तो जा करके कोर्ट में सरेंडर कर दिया? सरेंडर। जब सरेंडर करने जा रहे थे तो आपसे मिले थे आप लोग से, आप परिवार वालों से? नहीं, हमसे नहीं मिले। कोई से आप, कोई परिवार से नहीं मिले? नहीं, नहीं मिले। अच्छा, देखिए पवन यादव जो हैं कोर्ट में जा करके सरेंडर कर दिए हैं, और यहाँ पर दादाजी भी हैं। दादाजी वो कब गए हैं कोर्ट में? तो परसों गए। परसों? परसों, कल 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 चले गए। हाँ। अच्छा, खुद से चले गए? हाँ। आपसे मिले थे जा रहे थे? हाँ, हाँ। क्या बोले थे? कल के दादाजी जाए थे जमा भाजवा मार ऐबे कर पुलिस मारते। हाँ, यह बात और कुछ कल जाओ, कल चल जाओ सबसे बड़े। हाँ, सबसे बड़े। आपके आपके पवन यादव जो थे निर्दोष हैं? हाँ, एकदम निर्दोष। हाँ। कोई बचा नहीं सकेगा। हाँ। समाज कोई जो पवन एहन से ककरों से सरिया के बाजे नहीं रहे। हाँ, सर परदेश कमबे रहे खा रहे। हाँ, देखिए ये दादाजी हैं, और इनको भी कहना है कि पवन यादव जो हैं निर्दोष हैं, और वो खुद से खुद कोर्ट में जा करके सरेंडर कर दिए हैं। अभी मैं पवन यादव के घर पर से आप लोग को दिखला रहा था, यहाँ से आप लोग को दिखला रहा था, और उनके परिवार वालों से बातचीत किया, साथ ही साथ कुछ गांव के लोगों से भी बात किया। आप लोग को कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।